अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं सरपंच फारूक अहमद मलिक, पंचायत हलका शगन, बुलाक खाड़ी, तहसील खाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। मैं पढ़ी भारत जो स्कीम हमारे हिंदुस्तान ने निकाली, बहुत खुश हूँ मैं इससे, जिससे हमारे बच्चे अच्छी तरह लिख पढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चे 2 साल मानो अनपढ़ ही रह गए, क्योंकि ना पढ़ाई हो रही थी। अब हमारे हिंदुस्तान ने पढ़ी भारत की ये स्कीम निकाली, जिसमें पेरेंट्स भी बड़े खुश है और हमारे उस्ताद भी बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। कभी ऑनलाइन क्लासे ले रहे हैं, कभी वीडियो कॉल ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है ये कि हमारे हिंदुस्तान ने अच्छी स्कीम निकाली। और हमारे टीचर्स लोग बार बार फोन कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कलम और कापियां दो, वो लिख पढ़ जाएंगे। और बच्चे भी हमें बड़े तंग कर रहे हैं और खुशी से बोल रहे हैं कि पापा अब हमारे पीरियड आ गया है, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम अच्छी तरह से अब पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारी पढ़ी भारत स्कीम निकाली है, जिससे हम अच्छी तरह लिख पढ़ जाएंगे। और क्योंकि हमारा कुछ पीरियड ऐसा निकला जब हम लोग पढ़ रहे थे कि उस वक्त उर्दू ही खास था, आजकल आप देख रहे हो कि एकेडमी से इंग्लिश स्टार्ट है। हमने 6th क्लास से इंग्लिश ली थी, चलो थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ लिया था, लेकिन आजकल वो पढ़ाई कहीं वजूद में नहीं आ रही है। जैसे कि आज हमारे टीचर्स लोग बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऑनलाइन क्लास से ले रहे हैं, कभी वीडियो कॉल पे ले रहे हैं। पेंसिल कापियां बच्चों के 24 घंटे हाथ में होती है और ठीक ठाक से मेहनत कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं इस गवर्नमेंट सरकार से कि उन्होंने पढ़ी भारत स्कीम निकाली, और हम लोग भी पेरेंट्स लोग भी उससे खुश है, क्योंकि अच्छी मेहनत हो रही है। क्योंकि आज सर्दियों में हमारे स्कूल ओपन है, अब तो गर्मी का सीजन है, इंशाल्लाह आगे भी ये ओपन रहेंगे और हमारे टीचर्स लोग भी मेहनत करेंगे और हमारे यूटी गवर्नमेंट LG साहब भी इसमें बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम पेरेंट्स लोग भी इसमें अच्छी तरह से ताउन देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अब वो पुरानी पढ़ाई ना रही, क्योंकि अब बहुत ही आगे सीखना है। इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ हमारे बच्चे अच्छी तरह लिख पढ़ जाएंगे, और बहुत ही खुशी की बात है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, थैंक यू सर।